और अब खबर आपके नफा नुकसान से जुड़ी है। आप अक्सर लोगों को रॉन्ग साइड चलते देखते हो, हो सकता है कभी कभी आप भी जल्दी में शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड चलते हो, लेकिन इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है ये शायद आप भूल जाते हैं। कल रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ऐसे ही एक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे कई मामले देश भर में रोजाना हो रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही वाली सोच बदल नहीं रही। घर के सामने वाली सड़क हो या कोई एक्सप्रेस वे, सड़क पर चलना किस तरफ है, नियम क्या है, ये बच्चों को भी स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। शायद सड़क पर चलने वाला हर आदमी भी ये जानता होगा, ज्यादा नहीं तो इतना तो सबको मालूम होता है कि रॉन्ग साइड नहीं चलना है। बावजूद इसके हम रोज ऐसी तस्वीरें देखते हैं। शायद हम में से कोई लोग ये गलती कर भी देते हैं। यू टर्न कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है तो कुछ मीटर का रिस्क ले लिया जाता है, गाड़ी या बाइक रॉन्ग साइड चलाना शुरू कर दिया जाता है। चंद मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा दी, और फिर कुछ सेकंड की लापरवाही का अंजाम क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी बीती रात ऐसी ही लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की वजह थी रॉन्ग साइड चल रहा एक ट्रक। मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई और 2 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। कंटर को पकड़ लिया गया है, उसके चालक के विरुद्ध धारा 304 सर्वोच्च मानवाधिकार के तहत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के अजमेर में भी कुछ दिन पहले ही एक कंटेनर और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के ड्राइवर की मौत हो गई, और इस हादसे की वजह भी रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाना था। ट्रैफिक नियम तोड़ने के ऐसे मामले नए नहीं हैं, हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में साल 2018 में रॉन्ग साइड चलने की वजह से 24,781 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 8,764 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2019 में रॉन्ग साइड एक्सीडेंट का यह आंकड़ा 24,431 पहुंच गया, जिनमें 9,201 लोगों की मौत हो गई। 2019 में उत्तर प्रदेश में रॉन्ग साइड चलने की वजह से सबसे ज्यादा 4,988 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 2,517 लोगों ने जान गंवाई। जी न्यूज पहले भी लगातार ट्रैफिक नियमों को लेकर आगाह करता रहा है। ऐसी लापरवाही को लेकर हम लोगों को लगातार जागरूक करते रहे हैं कि सड़क पर रॉन्ग साइड चलने से बचें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हादसों के पीछे की मानसिकता क्या है, ये हादसे क्यों होते हैं, ये आप इन लोगों के जवाब सुनकर समझ जाएंगे। जब उनसे रॉन्ग साइड चलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो क्या वजह थी जो रॉन्ग साइड आप जा रहे थे? टाइम बचाने के लिए सर। मतलब टाइम ज्यादा कीमती है आपका जीवन? जहाँ टाइम कीमती है। रॉन्ग साइड जा रहे हो आप, जान की फिक्र नहीं है? सर नहीं, बस 2 मिनट बस जाना है, बस आना, बस समान रेस्टोरेंट जाना सामने। साइड जा रहे हो ना? हाँ। सामने क्या लिखा है? 2 व्हीलर नॉट अलाउड है, बीच में देखो बीच में क्या बना हुआ है। सर्विस रोड पे तो अलाउ है ना? इस पर भी नहीं अलाउ है, पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है ना, बोर्ड तो देखो। तो बोर्ड वो बीचो बीच वाला रोड है, उसके लिए है, उसके लिए भी है। इसके लिए नहीं, देखो किधर किधर की साइड, उधर की साइड है ना वो, सीधा तो उन्होंने उस साइड बीच में लगाया है। अरे वो उस रोड की साइड है, इधर की साइड नहीं है वो। ब्लर बैन है, नियम का पालन नहीं करेंगे। नहीं, लेके कहाँ से जाएं? नियम का पालन नहीं करेंगे, आपसे बड़ा है नियम, नियम का पालन नहीं करेंगे। वो बात ठीक है, लेकिन लेके कहाँ से जाएं आप ये तो बताइए ना। तो आपसे पूछे ना नियम का पालन। मुझे तो डासने जाना है। और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा? मुझे पता ही नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, सामान लेके आ रहा हूँ सर। यही मानसिकता ऐसे हादसों को न्योता देती है। ऐसे लोगों को आप रोज अपने आसपास देखते भी हैं, या आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसीलिए जी न्यूज अपील करता है कि रॉन्ग साइड चलने वाले लोगों को रोकिए, उन्हें टोकिए, उन्हें याद दिलाइए कि उनकी एक गलती से कोई परिवार किसी अपने को खो सकता है।
कुछ मीटर की दूरी तय करने की जल्दी उन्हें जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.